Dr. Aslam Khan, Assistant Professor, Global College of Law, BA and LB के students को exams related कुछ important points political science में बताऊंगा, जैसे democracy के बारे में कि democracy किसे कहते हैं, यानी प्रजातंत्र क्या है, monarchy, monarch system क्या है, ये डिक्टेटरशिप क्या है, इनके बारे में शॉर्ट में बताऊंगा, जो एग्ज़ाम में आप लोग थोड़ा इसको सही से लिखेंगे और थोड़ा उसके लिए एग्ज़ाम की तैयारी के हिसाब से जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ उसे आप ध्यान से ध्यानपूर्वक पढ़ें और वीडियोस देख सकते हैं और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। तो डेमोक्रेसी मीन्स एवरी पर्सन इज फ्री बाय हिज चॉइस, यानी प्रजातंत्र किसे कहते हैं, प्रजातंत्र का मतलब है प्रत्येक व्यक्ति अपनी मर्जी के मुताबिक स्वतंत्र है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, फ्री मास मीडिया, ये सारी चीज़ें जहाँ हों तो हम कह सकते हैं कि ये डेमोक्रेटिक कंट्री है या डेमोक्रेटिक स्टेट है, जैसे इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाता है। प्रजातंत्र वो चीज़ है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपने अधिकार और अपने राइट्स के लिए प्रत्येक व्यक्ति कोई भी मांग कर सकता है, कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है, कहीं भी जा सकता है, किसी भी गाड़ी में बैठ सकता है, यानी अपनी मर्जी के मुताबिक स्वतंत्र है, इलेक्शन लड़ सकता है, कोई भी एग्ज़ाम पास कर सकता है, कोई भी, तो किसी की वो बाउंडेशन नहीं है। तो ये डेमोक्रेसी, ये चीज़ हमारे कंट्री में, इंडिया डेमोक्रेटिक स्टेट, डेमोक्रेटिक कंट्री है, और उसमें डेमोक्रेसी दो तरीके से बोली जाती है, एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में इंडिविजुअल जो पर्सनली व्यक्ति अपनी मर्जी के मुताबिक स्वतंत्र है, जैसे मैंने पहले बताया कि एवरी पर्सन इज फ्री बाय हिज चॉइस, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, फ्री मास मीडिया, अगर कहीं ये सारी चीज़ें मिलती हैं तो हम कह सकते हैं कि वी आर लिविंग इन डेमोक्रेटिक स्टेट या वी आर लिविंग इन डेमोक्रेटिक कंट्री। तो इस प्रकार इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी जो पब्लिक द्वारा जो रिप्रेजेंटेटिव्स जो इलेक्शन में जो चुने जाते हैं, जो इलेक्ट किए जाते हैं, वो पब्लिक की बात कहते हैं, गवर्नमेंट्स में जो भी पॉलिटिशियन या पॉलिटिकल लीडर्स पब्लिक द्वारा जो अपॉइंट किए जाते हैं या चुने जाते हैं, पब्लिक द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, तो ये इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कहलाती है, जो पब्लिक के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। और इंडियन इंडिया के अंदर हमारे देश में डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाता है, सेकुलर कंट्री कहलाता है। सेकुलर कंट्री उसे इसलिए कहते हैं कि यहाँ हमारे यहाँ बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, यानी वेरियस रिलीजियस पर्सन लिविंग इन इंडिया, सो एज वेल एज वी कैन से वी आर लिविंग इन सेकुलर स्टेट, सेकुलर कंट्री या डेमोक्रेटिक कंट्री, एंड डेमोक्रेटिक तो है ही, उसके बावजूद सेकुलर कंट्री भी कहलाता है जिसमें बहुत सारे धर्मों के लोग रह रहे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी के राइट्स सभी के समान हैं, सभी लोग, प्रत्येक व्यक्ति सुरक्षा की जिम्मेदारी या प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार की या प्रत्येक व्यक्ति को वहाँ की सारी सुविधाएँ फैसिलिटीज जो भी हैं वो सभी के लिए समान हैं, ऐसा कोई भेदभाव नहीं है, इसलिए ये डेमोक्रेटिक कंट्री भी है और सेकुलर कंट्री भी है। इसके बाद बात होती है जैसे डिक्टेटरशिप, डिक्टेटरशिप वो कहलाती है जो वन पार्टी इज़ द हेड ऑफ द मेजर पार्टी, जैसे जर्मनी में हिटलर एक डिक्टेटर मैन कहलाते थे, जिससे कि वन मैन सिर्फ एक ही आदमी जो पूरे देश पर एक डिक्टेटरशिप चलाए उसको डिक्टेटरशिप कहते हैं, जिसमें जनता का या
किसी का बोलने का कोई राइट्स ना हो उसको डिक्टेटरशिप कहते हैं। इसी प्रकार मोनार्क सिस्टम, मोनार्क मतलब किंगशिप, बादशाहियत, तो उसमें भी जो मोनार्की में भी पब्लिक या आम आदमी कोई भी फैसला नहीं ले सकता या आम आदमी अपनी कोई भी बात नहीं कर सकता। इस प्रकार मोनार्क सिस्टम में जो बादशाह के बनाए हुए कानून या बादशाह का बनाया हुआ राज चलता है उसमें किसी को बोलने का ना अधिकार है, ना इलेक्शन लड़ने का अधिकार है, ना अपनी बात कहने का अधिकार है। और उसमें बादशाह एक ट्रेडिशनली चले आते हैं, जैसे एक किंग बादशाह के बाद उसका लड़का, उसके बाद उसका लड़का, जैसे लाइक टू सऊदी अरब। बट इंडिया इज़ ए डेमोक्रेटिक कंट्री एंड सेकुलर कंट्री, तो इस प्रकार डेमोक्रेसी एवरी पर्सन इज फ्री बाय हिज चॉइस, यानी प्रत्येक व्यक्ति अपनी मर्जी के मुताबिक स्वतंत्र है, ना कि किसी के दबाव में, ना किसी के प्रेशर में। कोई किसी गाड़ी में बैठ सकता है, कोई कैसे कपड़े पहन सकता है, कोई अपना कहीं भी जा सकता है, किसी पर कोई बाउंडेशन या रोकथाम नहीं है। तो इस प्रकार डेमोक्रेसी को मैंने शॉर्ट में समझाया, फिर डिक्टेटरशिप को भी आपको थोड़ा सा शॉर्ट में समझाया, और किंगशिप मोनार्की सिस्टम यानी मोनार्क सिस्टम जो आज सऊदी अरब के अंदर है वहाँ सिर्फ बादशाह का कानून चलता है, जनता कोई भी कुछ नहीं कर सकती, ना जनता का कोई अधिकार है ना राइट्स है, सिर्फ उनको बादशाह की या किंग्स की बातों को मानना पड़ता है। और इसके बाद थोड़ा मैं ये बताना चाहूँगा कि और जो भी इंक्वायरी या क्वेरीज करनी है तो ग्लोबल कॉलेज ऑफ लॉ में आके डॉक्टर असलम खान से आप मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। और थैंक यू।